भारत में कई ऐसे धार्मिक मंदिर हैं जो जगह जगह पर चमत्कार समेटे हुए हैं। वहीं हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माता रानी दिन में तीन रूपों में दर्शन देती हैं। माता सुबह कन्या रूप में होती हैं, दोपहर में युवा, वहीं शाम में बुजुर्ग रूप में नजर आती हैं। ये मंदिर माँ हरसिद्धि का है जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर तेंदुखेड़ा में स्थित है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। नरसिंहपुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर तेंदुखेड़ा नगर में स्थित प्रसिद्ध हरसिद्धि मठ मंदिर की हम आज आपको महिमा बताने जा रहे हैं। माँ हरसिद्धि जो है दिन में तीन रूपों में दर्शन देती हैं और यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। नवरात्रि के समय यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी माता रानी से मांगता है उसकी हर मनोकामना माँ हरसिद्धि मैया पूरी करती हैं। तेंदुखेड़ा स्थित प्राचीन हरसिद्धि मंदिर करीब 500 साल पुराना है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के प्रमुख चमत्कारी मंदिरों में से एक है। यहाँ करीब 500 सालों से अखंड ज्योति जल रही है जो तेज आंधी में भी आज तक नहीं बुझी है। मंदिर प्रांगण में माँ हरसिद्धि के अलावा भोलेनाथ और पंचमुखी हनुमान देवता विराजमान है। माता हरसिद्धि मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच मन से मनोकामना मांगता है वो सारी मुरादें माता पूरी करती हैं। इस वजह से नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं मंदिर के साइड में एक सुंदर गार्डन है जिसे लाल बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। तेंदुखेड़ा और दूर दूर से श्रद्धालु इस गार्डन में शादी समारोह और पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ माता रानी मंदिर के सामने आप दिख रहे हैं, यहाँ मैया तीन रूप धारण करती है। सुबह कन्या रूप में आती है, दोपहर में वृद्धावस्था में आती है, शाम को युवावस्था में आती है। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत लेके, और सभी श्रद्धालुओं की भक्तों की मन्नतें पूर्ण होती हैं। लोगों का बहुत ही लगाव यहाँ से है और यह मंदिर तकरीबन 500 वर्ष पूर्व पुराना है। मंदिर की व्यवस्था ये है, विशेषताएँ हैं कि यहाँ पे मैया तीन रूप में दर्शन देती हैं। हम लोग यहाँ सब दर्शन करने आते हैं और ऐसा नहीं कि मतलब कभी कभी, सब लोग आते हैं, डेली आते हैं। और यहाँ नवरात्रि में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सब लोग अच्छे से दर्शन करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ माता हरसिद्धि मंदिर का इतिहास बड़ा अनोखा है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि पहले इस पवित्र स्थान पर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन नगर वासियों और दान दाताओं की मदद से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण राजस्थान के कलाकारों ने किया है। पुजारी ने बताया कि माँ हरसिद्धि दिन में तीन रूपों में नजर आती हैं। माता रानी सुबह कन्या, दोपहर में युवा और वहीं शाम को बुजुर्ग रूप में दर्शन देती हैं। इसी वजह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुजारी ने यह भी बताया है कि नवरात्रि में मंदिर में 151 कलश की स्थापना की जाती है। यह माता हरसिद्धि माता रानी का मंदिर है। यह माता सभी भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। पहले माता रानी का छोटा मंदिर था, धीरे धीरे यह बड़ा हो गया और वास कहते सभी, यानी कि दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मंदिर लगभग कितना पुराना है? मंदिर 500 वर्ष से ज्यादा पुराना मंदिर है। तेंदुखेड़ा में स्थित माँ हरसिद्धि मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। माता के चमत्कारों की वजह से कई राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ मत्था टेक चुके हैं। भक्तों का मानना है कि माता हरसिद्धि सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अनादि टीवी के लिए नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।